ट्रेडिशनल ड्रेस मेन रेड कलर और ब्लैक कलर और इतना सारा आलू मजे से खाएंगे ना। बहुत ही स्वीट है। वाह, यहाँ पे लीजिए मम्मी, मैं खिलाती हूँ, एक तो टेस्ट करके देखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। सुबह में जल्दी उठकर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और रात को अपलोड करती हूँ। आप लोग को गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ? और यहाँ पे मंजिता भी अभी अभी उठ गई है और देखो सूरज आज पूरा इतना जल्दी निकल रहे और मम्मी तो सुबह सुबह वहाँ पे काम करने में लगे। मैं यहाँ पे सबके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबके लिए कॉफ़ी भी निकाल दिया और सुबह गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। ये भी देखो रात भर ये नहीं सोया है, इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वीडियो में। आ जाओ मम्मी। ये देखो मम्मी को सुबह सुबह काम करने में लग गई है पूरा साथ पे। ये क्या लग गया देखो ना, जंगली का वो है। आ जाओ पियेंगे। सभी ने तो कॉफी वगैरह सब पी लिया। अभी मैं जा रही हूँ दुकान में, सर्फ पैकेट खत्म हो गया इसलिए मैं दुकान में, ये पास का दुकान में सर्फ पैकेट लेने जा रही हूँ और लेमो का कपड़ा भी धोनी है। और हाँ दोस्तों, आप लोग पूछते हो ना कि मेरे मम्मी पापा के घर कब जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट मंथ को जाने वाले हैं, मेरी सासू माँ और मेरे पतिदेव और मैं। फाइनली पहुँच गए हूँ दुकान में। आज दुकान खुला हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो ये है गोभी का खेत। दुकान से मैंने सर्फ पैकेट एक लिया है और 4 पीस साबुन। अभी फटाफट घर जाके लेमो की कपड़े धोनी होगी। बहुत दिन हो गया उसका कपड़े नहीं धो रही हूँ क्योंकि धूप अच्छे से नहीं देती है ना कभी कभी। और ये देखिए दोस्तों, मम्मी जी को सुबह सुबह उठकर काम करने में लग गई। ये जो है ये मस्टर्ड लिप्स की ये सीट है, मम्मी काट के रख रहे क्योंकि अच्छे से पक गए हैं। इसे धूप में सुखानी होगी, फिर उसके बाद इसको मार मार के इसका सीट को निकालनी होगी। यहाँ पर मैंने लेमो का कपड़े भी जमा कर दिया है, अब इसे धोनी होगी, ज़्यादा कपड़े नहीं है। और मंजिता आज मुझे हेल्प करेगी, मंजिता कैमरा गर्ल बनेगी। ये देख गुड गर्ल है, स्मार्ट बन गई आजकल ये। चलो 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 जल्दी ले लो। मैं माथे पे ले लेती हूँ। चलो हो गया। मिजोरम जाने के लिए कपड़ा तो धोनी होगी इसलिए इसका जूते वगैरह भी सब धुला दूंगी। आ जाओ मंजिता पीछे पीछे। देखिए दोस्तों, मामी पानी उतार रहे हैं और यहाँ है मामी। बहुत ताकत लगती है पानी उतारने में। हाँ, ये बकेट बहुत बड़ा है ना, इसमें पूरा ऐसे फुल करनी होगी, फिर उसके बाद कपड़े धोते ताए में आसानी होगी। हाँ, मामा का जूता भी खराब हो गया ना। हाँ, बहुत गंदा हो गया। कितना गंदा है? कहाँ गया ये है, देखिए बहुत गंदा हो गया। कितना गंदा करता है ना। ये इसे ही है तेरा मामू। हाँ देखिए गाइस, नानी भी आ गए, सीट को काट रहा है। वहाँ पे जमा करके रखा है ना नानी। हाँ जमा करके रखा, सुखाने से तो फिर मास्टर को निकालेगा। जो भी गंदे कपड़े थे मैंने सब कुछ धुला दिया है और यहाँ पे धूप में सुखाने के लिए दे दिया। और यहाँ देखो मंजिता को, ये भी सबके साथ काम करने में लग गई है। लड़की हो तो ऐसी आज ट्यूशन नहीं है इसलिए बहुत ही खुश है मंजिता। और पाइप में जाके क्या बोल रहे पता है, आज ट्यूशन नहीं है, आज मैं आपका साथ हमेशा कैमरामैन बनूंगी। देखो हंस रही है। अच्छे से काम करो नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। सब तो काम करने में लग गए हैं। अभी मैं सबके लिए यहाँ पे पपाया काट के रखी हूँ। ये लो पपाया खाओ, इसे खा के एकदम आराम से और काम करो। यहाँ पे दीदी टमाटर की पेड़ को अच्छे से रख रही है क्योंकि पूरा नीचे में गिर गया। और यहाँ पे देखिए टमाटर लग गए। यहाँ देखो लग गया, यहाँ में देखो ये देखिए, वाह कितने लग गए। इसमें इस है 4, इसमें लगा देखो, इसमें 3 है। इसमें देखिए गाइस, दो मम्मियाँ काम करने लग गई है सुबह से ना। अभी तो वहाँ पे भी कर रहा है। मैं भी कर रही हूँ काम, कपड़ा धो के यहाँ पे काम करने में लग गई। पूरा जंगल हो गया ना, जंगल हो गया है। ये देखो रास्ता, और वहाँ पे नानी है। आलमंड को लगा दिया? हाँ लगा दिया वहाँ में। बहुत ही डिस्टर्ब देती है ये, बीच में है ना। हाँ रास्ते पे ये चलने में मुश्किल होती है। ये रहा फस गया।
गया, फंस गया। फंस गया ना? टूट रहा है? वाओ, टूट गया। पे मम्मी कचरा को उतार रही है, ये देखिए कितना गंदा हो गया ना। हम भी कर लिया थोड़ा देर, और यहाँ पे दीदी ने ब्रेकफास्ट भी निकाल दिया है, अभी सभी लोग खाएंगे। आ जाओ ब्रेकफास्ट नहीं है, ये लंच है। अभी भूख लग रहा है, खाओ। लग रहा है। लंच भी कर लिया है, अभी जो भी बर्तन वगैरह थे वो सब भी धुला लिया है। अभी मम्मी को देखिए नीचे में पूरा लोके लुका पी रही है, और मंजिता और उसकी मम्मी तो रेस्ट करने में लगे उनके रूम पे। अभी देखते हो मेरा पतिदेव क्या कर रहा है। सभी ने तो रेस्ट भी कर लिया दोस्तों, अभी फिर से आए खेत में। यहाँ पे देख सकते हो मम्मी जो है ये आलू को कोत रही है, और यहाँ पे मंजिता भी आए पूरा ये टोकरी लेके। वो जो आलू के सीट है ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो सीट है ये हम लोग यहाँ पे जमा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कच्चा है ये अच्छे से पक गया। इसको रखने के बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से इसको उगाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे है, और यहाँ मम्मी मिला आलू। ये देखो दोस्तों ये है आलू। मम्मी ने तो पूरा कोद भी लिया, ये देखिए दोस्तों इतना लंबा आलू। ये देखो वो पूरा वाइट वाइट एकदम ठंडा है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे जुरो आलू। जुरो मीन्स ठंडा, जुरो आलू ठंडा आलू। वाह बहुत ही टेस्टी होगा ना खाने में। रखो। वाह एक छोटको वाला मिला इसे। मिला? खुद से निकला ओ, नानी ने पहले से खोद के रखी थी। मम्मी और मामी सीट को उतार रही है। यहाँ पे हम लोग जमा कर रहे हैं, ये देख सकते हो यहाँ रख रही हो ना। नेक्स्ट ईयर खाएंगे नेक्स्ट ईयर में। और वहाँ पे तेरी नानी आलू को खोद रहे है। मिला है देखो इतना बड़ा है, देखो देखो हो रहा, देख रही हो ना। देख तो कौन खाएगा ये? मैं। हम लोग भी खाएंगे। सब लोग एक एक करके खाएंगे ना। और वो रहा मम्मी सीट को निकाल रही है, इतना मिला बहुत ज्यादा वहाँ पे, बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाएगा ना काफी। दोस्तों अभी हम लोग मम्मी और मैं नहाने के लिए जाएंगे, मिलती हूँ नहाने के बाद, बाय बाय। दीदी गए हैं नहाने के लिए, और आज कुछ वो ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ मंजिता को फोटो शूट करा देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इतने तक जमा किया है, और यहाँ पे मम्मी ने ये खोद के भी रख दिया, और यहाँ पे फिर से मम्मी खोद रही है आलू को। वाह ये थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है। वाह इतने सारे मिल गए ना। मम्मी अभी भी खोद रही है आलू को, और जो मिले हैं मैंने यहाँ पे घर में लाई हूँ, और नीचे में सीट वगैरह भी दीदी और मंजिता में उठाए थे, और यहाँ पे एक पानी कुमरा मिला है। वाओ यहाँ पे जेरे तो एक छील के भी ला दिया। ओ ये खराब हो रहा है। अरे क्यों है खराब हो रहा है? ज्यादा देर लेट हो गया ना, उसे फेंको खराब वाला को। बारिश का टाइम है खराब हो गया। ये देखिए दोस्तों ज्यादा लेट हो रहे है ना इस कारण। टेस्ट कर लेते हैं मीठा है कि नहीं। मीठा होगा आई नो। अरे बाप रे, चलो एक टुकड़ा मैं ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल व्हाइट आइसक्रीम की तरह। सबसे पहले मैं मम्मी के लिए। हाँ मम्मी को कहाँ है मम्मी कहाँ है? वहाँ पे अभी भी खोट रही है। अच्छा मैं मम्मी को खिलाती हूँ। हाँ जाओ मम्मी को खिला के। मम्मी तो अभी भी खोट रही है, ये देखिए मम्मी एक तो मिला है। ओ इतना बड़ा है, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ पे लीजिए मम्मी मैं खिलाती हूँ, एक तो टेस्ट करके देखो। ये पूरा वो बहुत दिन से रख रहे हैं ना इसलिए खराब हो रहा है, इसका टुकड़ा एक तो फेंक दिया। ये देखो दोस्तों वो पूरा गोल है ये। और है ओ इसमें ना ये देखिए एक गद्दा में तीन तो लीजिए। ओ ये खाओ, पूरा लेफ्ट हैंड से खिला रही हूँ मैं मम्मी को, एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से आलू। वाह ये पीछे में देखिए तीन हो गया, और यहाँ गद्दे पे है और दो। अभी मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। मम्मी बोल रही है कि बहुत ही मीठा है, और इतना ठंडी है ना बहुत, और वहाँ पे ना इतना बड़ा बड़ा मिला है गोल गोल करके। अच्छा रखेंगे, पूरा फ्रिज में रखा हुआ जैसा होगा ठंडा होगा घर में रखने से। बहुत ही स्वीट है।
आप लोग भी खाइए दोस्तों, मैं खा रही हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग भी यहाँ से खाना। फिर से खेत पर जा रही हूँ दोस्तों, मम्मी ने कोत के रखी थी वही आलू लेके आऊँगी। और कितने जमा हो गए, इतना बड़ा बड़ा आलू, वाओ ये देखो कितना बड़ा, और ये तो पूरा गोल, ये देखिए। अभी घर जाती हूँ, फिर से नहाना होगा। क्या करें यार, गांव का जिंदगी ऐसे है। ओह माँ, बहुत ही भारी है और गर्मी भी बहुत दे रही है आजकल। यहाँ पे सीत को रखी हूँ और यहाँ पे आलू को, ये देखिए एक टोकरी हो रही है, अभी भी मम्मी कोत रही है, और भी मिलेगा, हाँ और लाई हूँ मैं, ये देखिए। और जो बड़ा बड़ा है ना, ये हाँ नीचे में बहुत ही बड़ा बड़ा है। यहाँ पे नानी रेस्ट कर रही है, थकान हो गया क्या? वहाँ है, अभी दिखाती हूँ दोस्तों आप लोग को, ये रहा कितने सारे हैं। अभी मैं और मम्मी मंजिता आए हैं हैंडपंप में, यहाँ पे आलू को वॉश करेंगे, जितने भी आलू मिले हैं ना उसे सब वॉश करके फिर अच्छे से घर में रखेंगे। मामी और नानी आलू को सफा करने लग गई है, ये देखो इतने बड़े बड़े आलू और बहुत ही मीठा है। हम लोगों ने टेस्ट भी किया है इसे, मंजिता और उसकी मम्मी ने नहीं खाए क्योंकि उस टाइम में तुम लोग नहा रहे थे ना। हाँ। वाओ, इतना सारा आलू मजे से खाएंगे ना? हाँ, बहुत ही स्वीट है। वाओ, मंजिता भी खाएगी। ये देखो दोनों सास बहू। हाँ, दोनों सास बहू। देखो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया पूरा टोकरी में। दोस्तों हम लोगों ने नहा के भी फ्रेश हो चुके हैं और मंजिता के साथ साथ हम लोग भी अपने ही ट्रेडिशनल लगाए हैं। और यहाँ पे देखिए, ये है हम लोग का हीरोइन और यहाँ पे है दीदी, ये है फुल हम लोग का ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। और आज का हेयर स्टाइल दीदी ने किया है मुझे, ये देखिए मैंने जो ये ड्रेस लगाई है ये मैंने किया है, और हेयर स्टाइल जो है ये दीदी ने किया है। मुझे इतना अच्छे से हेयर स्टाइल करनी नहीं आती क्योंकि मैं इतना स्टाइल भी नहीं करती हूँ, पूरा सिंपल तरीके से रहती हूँ मैं। पीछे से दिखा दे। ये देखिए, ये ऐसे किया है मैंने इसका हेयर स्टाइल। मैं तो देख नहीं सकते, आप लोगों को दिखाते हो कैसा है। ये देखिए हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस, मेन रेड कलर और ब्लैक कलर यही है। और हम लोगों ने हील नहीं पहना है क्योंकि जस्ट फोटोशूट के लिए, और दूसरी जगह पे जाते हैं तो हील पहनते हैं, ऐसे टेम्पररी के लिए फोटोशूट के लिए ना हील नहीं पहने। मंजिता पूरा स्टाइल मार के आई है आज, बहुत स्टाइल मारी है मंजिता। दिखाओ दिखाओ, ये देखो आंख बंद कर देता। हम लोग पहुंच गए हैं अपने जगह पे, पूरा अपने खेत पे बीचों बीच फोटो खींचेंगे आज। ये देखो इसका ट्रेडिशनल ड्रेस खुल गई थी। जितने भी फोटो शूट करना था सब कुछ कर लिया, और मंजिता को देखिए पूरा ड्रेस ही खोल दिया उसने। जाते हैं, शाम भी हो रही है, आज का फोटो उतना अच्छे से नहीं आया क्योंकि और मौसम भी उतना ठीक नहीं है, और शाम भी हो रही है। चलो घर जाते हैं, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे ना। घर भी आ गए दोस्तों, अभी डिनर बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत रात हो चुकी है। सबसे पहले मैं वीडियो एडिटिंग करूंगी, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे वीडियो अपलोड करने जाना होगा। अभी दीदी खाना बना रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।